दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे आप सब बहुत अच्छे ही होंगे तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जैसा कि आप सब जानते हैं दिल्ली में म्यूजियम्स की भरमार उसी में एक नया नाम जुड़ा है दिल्ली में पीएम म्यूजियम अभी हाल ही में मोदी ने जो है प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे अप्रैल में जो है पी म्यूजियम लॉन्च किया था तो आज हम लोग चलते हैं पीएम म्यूजियम का आपको तो पूरा ब्लॉग दिखाते हैं वहाँ क्या क्या चीजें हैं एक्सप्लोर करते हैं आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो को तो लास्ट तक देखिए तो दोस्तों अगर आप पीएम म्यूजियम जाना चाहते हैं तो अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो या येल्लो लाइन के लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर पड़ता है आप वहाँ से उतर के जा सकते हैं अगर आप अपनी व्हीकल अपनी कार से आते हैं तो या तीन मूर्ति मार्ग पर जो है पीएम म्यूजियम पड़ता है तो चलिए हम लोग आपको मेट्रो से पूरा ब्लॉग्स की जर्नी दिखाते हैं और वहाँ एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है नई चीजें चलिए चलते हैं पी तो दोस्तों हम है मेट्रो की येल्लो लाइन में यहां और हमें यहाँ जाना है लोक कल्याण मार्ग दोस्तों लगभग आधे घंटे मेट्रो में सफ़र के बाद हमारा मेट्रो स्टेशन लोक कल्याण मार्ग आ गया है और हम चलते हैं बाहर और वहाँ से आपको ऑटो से ले चलते हैं पीएम म्यूज़ियम चलिए हम चलते हैं दोस्तों मेट्रो से बाहर निकलते ही आपको ऑटो मिल जाएगा बस ये है कि ये शेयरिंग में नहीं जाएगा आपको बुक करना होगा तो चालीस से पचास रुपये आपको बुक करके या पीएम म्यूजियम पहुंचा देगा दोस्तों यहाँ पे ऑटो शेयरिंग में इसलिए नहीं चलता हम आपको बता दें कि यह इलाका जो है दिल्ली का पौस एरिया माना जाता है यहाँ ज़्यादा तेज़ हॉर्न बजाना भी मना है तो शेयरिंग या जो है भीड़ भाड़ ज़्यादा यहाँ नहीं होनी चाहिए इस इलाके में मंत्रियों सांसदों के आवास हैं तो इसलिए यहाँ आपको शेयरिंग में ऑटो नहीं मिलेगा दोस्तों डेस्टिनेशन आ चुका है प्रधानमंत्री संग्रहालय के हम लोग सामने खड़े हैं ये देखिए और हम आपको अंदर ले चलेंगे और पूरा एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे कि अंदर क्या क्या। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे हम इस समय प्रधानमंत्री संग्रहालय में है प्रधानमंत्री संग्रहालय प्रधान बनने से पहले यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आवास था तीन मूर्ति भवन इसको कहा जाता था इसी को एक्सपेंड करके प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया गया है जहाँ सारे भारत के प्रधानमंत्रियों का जो है उनके बारे में बताया गया है और इसका अब ये उद्घाटन अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था तो चलिए अब इसके अंदर चल को आपको जो है दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है चीज़ें तो चलिए अब आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर चलते हैं दोस्तों अंदर चलने से पहले प्यास लगी है थोड़ा प्यास बुझा लेते हैं यहाँ पे पानी पी लेते हैं उसके बाद अंदर चलते हैं दोस्तों देखिए इसका टिकट घर कितना आधुनिक तरीके से बनाया गया है पूरा एकदम मॉडर्न तरीके से टिकट घर आपको पहली बार ऐसा टिकट घर देखने को तो मिलेगा देखिए दोस्तों यहाँ टिकट बुकिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड उपलब्ध है अगर आप ऑनलाइन मोड जो है यहाँ के बार स्कैनर से करते हैं तो आपको 10 परसेंट की छूट मिलेगी टिकटों पर पूरा प्रोसेस दिखाया गया है आप इस स्कैनर से आप टिकट बुक करते हैं तो दस परसेंट की छूट मिलेगी और ये रहा टिकट का पूरा प्राइस लिस्ट आप इसको सेव करके पॉज करके देख सकते तो दोस्तों हमने टिकट ले लिया है और अब आपको अंदर ले चलते हैं और पूरा पी म्यूजियम की सैर कराते हैं कि अंदर क्या क्या है आपको दिखाते हैं बने रहिए है हमारे साथ वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए दोस्तों हम पीएम म्यूजियम के सबसे पहले पार्ट में और ये देखिए आधुनिक पीएम म्यूजियम जो बनाया गया उसका पूरा मॉडल यही है आपको यहाँ भी ले चलेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑडियो गाइड मिलेगा आप यहाँ पे आके जो है उसको जो है फ्री में ले सकते हैं दोस्तों हमारे पीएम म्यूजियम का अगर आप वर्चुअल ड्रोन के शॉर्ट कैमरा व्यू से देखें तो यह जो है ऐसा दिखाई देगा तो आप वर्चुअल ड्रोन से भी आप इसकी जो है पूरा देख सकते हैं कि यह कैसा बना है इसका चारों तरफ आप देखिए यहाँ दिखाया गया है दोस्तों आप पी म्यूजियम में आएंगे तो सबसे पहली बिल्डिंग जो है वह नेहरू का ही घर हुआ करता था तो नेहरू के जीवन काल के पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ और उसके साथ ही संविधान निर्माण और आज़ादी के समय विभाजन की चीज़ें दिखाई गई हैं तो आप पहली बिल्डिंग में घुसेंगे तो पूरा संविधान निर्माण से लेकर आज़ादी से लेकर पहले प्रधानमंत्री भारत के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बारे में दिखाई गई है उसके बाद हम जब दूसरी बिल्डिंग में इंटर करेंगे तो वहाँ और सारे प्रधानमंत्रियों का योगदान और उनके जीवन से संबंधित दिखाई गया है बातें यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देखिए अंबेडकर जी का भाषण संविधान निर्माण के समय और ये राजेंद्र प्रसाद का संदेश संविधान निर्माण से संबंधित भारत के पहले राष्ट्रपति तो यही सब जो है इस बिल्डिंग में दिखाया गया आज आगे हम आपको वीडियो में और भी सारी चीज़ें आज़ादी से जुड़े हुए दिखाते हुए चलेंगे आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जो है देखिए इसको आपको ज़रूर अच्छा लगेगा दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया कि संविधान की बैठक कैसे होती थी आप जो है ये देखिए और संविधान जो हमारा बना है उसमें कौन कौन से आर्टिकल कौन कौन से कानून कौन कौन सी रिपोर्ट ब्रिटिश के समय की यूज हुई हैं वो इसके बारे में भी दिखाया गया दोस्तों आपको जो ऑडियो गाइड मिला था ऐप जो है अपने मोबाइल में अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो ये सारी ऑडियो आपके फ़ोन में डायरेक्ट आपको हिंदी या इंग्लिश या किसी भी भाषा में आप उसकी स्टोरी कवर स्टोरी सुन सकते हैं तो ऑडियो गाइड का यही काम है यहाँ पे देखिए सारी वीरांगनाएं नारियाँ जो है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दी हैं उनके बारे में भी दिखाया गया है और दोस्तों ये आ रहा हमारा संविधान संविधान देखिए हमारा कैसे है उसका मुख पृष्ठ आप देख लीजिए इंग्लिश में या जो है भारतीय संविधान इसका भी प्रोटोटाइप वीडियोस के माध्यम से दिखाया गया आप पूरा पढ़ भी सकते हैं आपके पास समय हो तो पूरा यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं ये हमारे राजेंद्र प्रसाद और ये नेहरू का भाषण और हम जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं वह इसलिए कि 1950 में संविधान लागू हुआ था हमारी प्रेमबल हमारी प्रस्तावना यहाँ पर लिखी गई है आप उनको पढ़ के हमारे संविधान का आदर समझ सकते हैं और दोस्तों इस कमरे में हमारे वोटिंग राइट्स हमारा जो है जो मतदान का अधिकार है और उसका क्या महत्व है और भारत निर्वाचन आयोग क्या है उसके बारे में बताया गया है और अब आपको ले चलते हैं दोस्तों विभाजन उन्नीस सबसे जो है कष्टदायी जो है यह पल था भारत के लिए कई सारी जाने गईं कई बेगुनाह मारे गए कई को कईयों का घर जुड़ा तो आपको वहाँ यह विभाजन की विभीषिका के पूरे दृश्य को इस कमरे में जो है दिखाया गया और सुनाता भी है आपको ऑडियो आड, गाइड के माध्यम से कैसे ट्रेनों पे जो है लत के इधर से उधर लोग आए थे और बहुत ज़्यादा ही जो है नरसंहार हुआ था सांप्रदायिकता फैली थी उन सब के बारे में इस कमरे में आपको पूरा विभाजन विभीषिका दिखाया गया है दोस्तों यह विभाजन टाला नहीं जा सकता था क्योंकि जिन्ना जैसे लोग जो है पाकिस्तान के नेता अड़ गए थे कि विभाजन होना ही चाहिए बिना विभाजन के हम लोग रहेंगे नहीं भारत में जो है और मान्यता नहीं देंगे उसके बाद दोस्तों दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री निवास के समय जो है जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उस समय गहन मुद्दों पर जो है गंभीर मुद्दों पर कैसे बैठक होती थी उसका या जो है उस यही सी कच्छ में होती थी एक्चुअली बैठक तो कैसे बैठक होती थी किस प्रकार सीटें थी वह सब दिखाया गया है तो आप यहाँ भी आ आके देख सकते हैं दोस्तों इसके बाद नेहरू के काल में जैसा कि आप सबको पता है कि उन्नीस में गोवा मुक्त नहीं हुआ था तो दोस्तों गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय नाम का एक जो है ऑपरेशन चलाया गया था उसके माध्यम से गोवा मुक्त हुआ था और उसके बाद नेहरू ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है प्रारूप तैयार किया और उसको भारत देश में लागू किया क्योंकि भारत उस समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल ख़िलाफ़ था और इसी के तहत तमाम बड़ी बड़ी सरकारी परियोजनाएँ लागू हुई देश में जो आगे चल आज भी कार्यरत हैं और दोस्तों यह रहा जो है प्रधानमंत्री को जो विदेशों से प्राप्त होने वाला उपहार था तो दोस्तों पहले प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल का पूरा आपको वीडियो दिखा चुके हैं अब एक्चुअल पीएम मेमोरियल की तरफ हम अंदर जा रहे हैं इंटर कर रहे हैं और वहाँ का आपको दिखाते हैं कि कैसा है पीएम मेमोरियल जो नया बना है no all... दोस्तों नेहरू के बाद हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो हम उनके कक्ष में आ गए हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में यहाँ पर इस कक्ष में पूरा दिखाया गया है रहा उनका जो एक छोटी सी जो है चित्र बनाया गया है उसके बाद उनकी उपलब्धियाँ आपको दिखाती दोस्तों शास्त्री के ही कार्यकाल में गेहूँ की क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन आई थी तो उसको भी यहाँ दिखाया गया है उसके बाद जो है अन्य चीजें भी उनके जो है कार्यकाल से उनकी विदेश नीति भाषा आंदोलन आदि सभी चीजें उनकी उपलब्धियाँ दिखाई गई दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा उन्हीं के कार्यकाल में प्रचलित हुआ था तो यह भी जो है दिखाया गया उसका प्रोटोटाइप पूरी तरह से बनाया गया है दोस्तों शास्त्री जी के बाद हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी के बारे में भी यहाँ दिखाया गया है उनको जो है आयरन लेडी इसी वजह से कहते थे आप उनको पूरा देखेंगे कि नाथुला की लड़ाई से लेकर पाकिस्तान का विभाजन तक बांग्लादेश का निर्माण तक सारी बातें दिखाई गई हैं आपको यहाँ आकर पूरा इतिहास जानने को मिलेगा कैसे उनकी सरकार भी बदली कैसे जो है आपातकाल भी लगा तो आप उनके बारे में पूरा यहाँ पे दिखाया गया आप आके देखिए और समझिए दोस्तों भारत ने पहला परमाणु परीक्षण उन्हीं के कार्यकाल में पोखरण से नाम से किया गया था तो उसके बारे में भी उसकी कहानी दिखाई गई है इसके अलावा इंदिरा गांधी कार्यकाल में काला जो है दिन जब आपातकाल के रूप में आया तो वो भी दिखाया गया उसकी कॉपी कैसे जो है बनी थी तो यह भी दिखाया गया इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था सारी बातें यहाँ दिखाई गई दोस्तों इमरजेंसी के बाद कैसे उनकी सरकार गई और फिर कैसे कम किया वो पूरी स्टोरी भी यहाँ दिखाई गई है तो आपको पूरे हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या क्या हुआ सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई और दोस्तों यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री रहे मुरारजी देसाई के बारे में भी हर एक प्रधानमंत्री के बारे में भी दिखाया गया है दोस्तों यहाँ पे कई सारी मशीनें आप उन पर क्लिक करके आप पूरा इतिहास जान सकते हैं समझ सकते हैं कि कैसे के कैसे क्या हुआ था कैसे क्या नहीं हुआ था तो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज कर पाएंगे और देखेंगे दोस्तों एक बार और बत, आपको बता दूं कि कांग्रेस का पहले चुनाव चिन्ह हाथ नहीं था या दो बैलों की जोड़ी हुआ करती थी तो उसके बारे में बताया गया या बहुत कम लोग जानते होंगे दोस्तों इसके बाद प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी जी के बारे में यहाँ दिखाया गया है कि उनको कार् उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धियाँ रहीं उनके कार्यकाल की पांच प्रमुख उपलब्धियों के बारे में दिखाया गया है जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेलीफोन क्रांति और कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी जी की देन है तो उसके बारे में भी बताया गया है उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर जी उनके बारे में भी बताया गया है दोस्तों इस ऊपरी मंजिल के बाद आपको नीचे आने के लिए एक बहुत लंबी गैलरी पार करनी पड़ती है उस लंबी गैलरी में आपको पूरा भारत जो है स्वतंत्रता प्राप्त से लेकर अब तक जो है सारे प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल और उनकी उपलब्धियां उनकी जो है चुनौतियां सब के बारे में फ़ोटोज़ के माध्यम से बताया गया है आप वहाँ देखते हुए ज़रूर आ सकते हैं के बाद गैलरी से पार करके आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको भारत के एक मजबूत प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में दिखाया गया उनकी उपलब्धियां उनके कार्यकाल उनके जो है उन्होंने क्या क्या भारत देश के लिए किया तो सब कुछ दिखाया गया है आप इसको पूरा आपको दिखाते हैं कि उनका जो कि आप जानते हैं भाषण बहुत अच्छा देते थे तो उनके भाषण भी आप सुन सकते हैं उसके बाद सरकार कैसे बनी सब कुछ बताया गया दोस्तों उनके कार्यकाल में एक अहम उपलब्धि रही जो है आतंकवाद बढ़ते आतंकवाद कश्मीर में जब उन्नीस 19. सौ में पाकिस्तानियों ने जो है आक्रमण करके कब्जा कर लिया था तब ऑपरेशन विजय के नाम से जो है चलाकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने जो है पूरा भारतीय सैनिकों ने पूरा भारतीय क्षेत्र को वापस दिलाया और जो है कश्मीर के उस हिस्से को पाकिस्तानी सेना से मुक्त कराया तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को भारत देश कभी भुला नहीं सकता उन्होंने काफ़ी जो है योगदान दिया भारत के लिए तो उनके बारे में भी पूरा जो है यहाँ पे इस कक्ष में आपको वाजपेयी जी के बारे में पूरा दिखाया गया आप यहाँ ये ज़रूर देखिए दोस्तों इसके बाद भारत में पंद्रवा आम चुनाव होता है उसमें कांग्रेस की सरकार वापस करती वापसी करती है और कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं एक जो है सरल व्यक्तित्व वाले जो है ज़्यादा बोलने वाले नहीं प्रधानमंत्री बनते हैं लेकिन उनके कार्यकाल में भी काफ़ी सारी उपलब्धियाँ रहीं काफ़ी सारी चुनौतियाँ रहीं तो उसके बारे में भी यहाँ दिखाया गया है दोस्तों उनके कार्यकाल में आतंकवाद बड़ी चुनौती रही और ऐसा ही जो है छब्बीस नवंबर दो आठ को जो है मुंबई में अटैक का उदाहरण हम देख सकते हैं जो कि बहुत ही भयानक बहुत ही दर्दनाक अटैक आतंकवादियों का हुआ था तो उसके बारे में भी पूरा स्टोरी दिखाई गई यहाँ उसके अलावा उनके उपलब्धियों की बात करें तो अमेरिका से परमाणु समझौता से ले लेकर आधार जो कि हम आधार आज उसके बिना कुछ नहीं हुआ आधार पंद्रहवें लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हो गया था और उन्होंने ही लागू किया था दोस्तों वाजपेयी जी के पहले इंद्र कुमार गुजराल जी भी प्रधानमंत्री रहे तो उनके बारे में भी यहाँ दिखाया गया है वह मैं जो है दिखाना पहले भूल गया था तो आपको जो है ज़रूर उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए यहाँ देखना चाहिए जी हाँ दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल और उनकी उपलब्धियों के बारे में अभी नहीं दिखाया गया है तो आप जो है अभी इंतजार करिए जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसको यहाँ पे एक जगह है उसको जोड़ दिया जाएगा और मोदी जी की भी उपलब्धियाँ दिखाई जाएंगी तो यहाँ सारी काफ़ी सारी एक्टिविटी करने को है आप जैसे इस एकता श्रृंखला में जो है शामिल हो सकते हैं आपको वहाँ से टिकट मिलेगा और आप जो है यहाँ जो है उसके बाद दो भारत का दो भविष्य कैसा रहेगा उसके लिए आप अपने विचार भी दे सकते हैं यहाँ पे पूरा कंप्यूटर के माध्यम से आप कुछ भी लिखिए और अपनी फोटो खींचिए अपनी साइन करिए और वह प्रधानमंत्री कार्यालय में सेव हो जाएगा कि भारत दो में कैसा होगा कैसा रहना चाहिए तो आप जो है यहाँ पर जैसे मैंने भी जो है अपना विचार दिया है कि इंडिया विल बी ग्रेट हमेशा रहेगा और जो है आगे भी रहेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कई सारे लोग अपने साइन करके अपने मैसेज देते हैं तो यह भी एक अच्छा चीज़ है यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना मैसेज सबमिट कर दिया और यहाँ पे देखिए पोस्ट हो चुका है यहाँ पे शो भी हो रहा है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा कक्ष है जहाँ पे सभी प्रधानमंत्रियों ने जो लाल किले से भाषण दिया है आप उसको जो है थ्री टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामने से बैठ के सुन सकते हैं आपको लगेगा आपके सामने ही भाषण दे रहे हैं तो यह भी काफ़ी अच्छा है इसके अलावा हमने वॉक विथ पी का स्पेशल टिकट लिया था आप किसी भी पीएम को जो है चुन सकते हैं और उनके साथ वॉक कर सकते हैं और यह सौ रुपये का है और अगर आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं किसी भी पीएम के साथ तो पचास रुपये का टिकट है तो यह भी काफ़ी अच्छा रहा मोदी जी के साथ वॉक करने का दोस्तों इसके बाद हम आपको अशोक स्तंभ का यह चिन्ह आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यह हवा में लटका हुआ है यह भी एक टेक्नोलॉजी है आप सब जानते होंगे कि मैग्नेट जो है अगर दोनों तरफ उल्टा हो तो यह जो है टेक्नोलॉजी काम करती है दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए पीएम म्यूजियम का या ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपके लिए पार्ट टू जरूर लाएँगे उसमें फ्यूचर राइड की सैर कराएँगे और आपको दिखाएंगे कि भारत फ्यूचर में कैसा होगा और काफ़ी अच्छा जो है आपको लगेगा थ्री डी में पूरी तरीके से राइड होगी हम कई शहरों में विजिट करते हुए चलेंगे उड़ान भरेंगे तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा तब तक चलते हैं कैंटीन में कुछ खा पी लेते हैं बगल में ही कैंटीन है और यहाँ काफ़ी अच्छी रेट पर काफ़ी हाइजीनिक खाना मिल जाता है हमने दो बर्गर ऑर्डर किया था और सौ रुपये में मिल गया है तो आप भी यहाँ आइए तो कैंटीन में आ सकते हैं तो दोस्तों यही रहा हमारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप वीडियोज़ को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए जिससे हमको और सपोर्ट मिल सके और नई नई जगहों को विजिट करके आपको और एक्सप्लोर करके आपको दिखाता रहूँ और आपको इंटरटेन करता देता रहा और हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ काफ़ी समय हमने बिता लिया और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टाटा